जो भी सरकार की गाइडलाइन किसानों के लिए रही है तो वो फॉलो की है किसानों ने, क्योंकि हरियाणा का किसान एक जागरूक किसान है और सहनशील किसान है और शिष्टाचारी किसान है। लेकिन हो सकता है कुछ लोग किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हों और किसान सरकार का भी विरोध कर रहे हों, लेकिन भारतीय किसान संघ ने कभी भी ऐसी प्रीति को नहीं अपनाया। लेकिन आज किसान की सुध लेने वाला कोई नहीं है। किसके माध्यम से लाभ मिलना है किसान को? जो कृषि अधिकारी बैठे हैं, कृषि अधिकारियों के माध्यम से लाभ मिलना है। लेकिन इस गुंगी बैरी सरकार का ना तो प्रशासन इसके काबू में और ना अपनी व्यवस्था काबू में, क्योंकि प्रशासन जो एग्रीकल्चर विभाग ने किसानों के लिए काम करना है, खुद कैथल के डीडीए को यह नहीं पता कि आपके एडीओज कितने हैं, आपके एडीओ कहाँ हैं, किस जगह पे हैं, कब उनकी हाजिरी लगी। और हमने मुख्यमंत्री जी को विषय दिया कि मुख्यमंत्री जी गांव सत्र पर एग्रीकल्चर के डॉक्टरों को बिठाया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहीं ना कहीं हमारी हामी भरी कि ब्लॉक लेवल पर संभव हो सकता है, लेकिन हम उस पर एग्री नहीं हुए। तो मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया चलो देखते हैं और करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि मुख्य सचिव हरियाणा मुख्यमंत्री जी के पास में बैठे और वो ये कह रहे हैं कि इतने हमारे पास अधिकारी नहीं है एग्रीकल्चर विभाग में कि हम गांव सत्र पर बिठा दें। तो मैंने ये डाटा निकाला और इस डाटा से निकलवाया कि पूरे हरियाणा के अंदर जो ग्रामीण सत्र पर काम करने वाले हैं वो 1067 कर्मचारी हैं, ऑफिसर्स हैं। क्या ये किसान को पता होना चाहिए? उस मुख्य सचिव हरियाणा को नहीं पता होना चाहिए, लेकिन उसको इस चीज की जानकारी नहीं है। मुझे लगता है जो 1067 ऑफिसर्स बनते हैं और हरियाणा के अंदर लगभग 6222 गांव लगभग हैं, तो अगर ये बिठाने पे आए तो 6 गांव पे एक ऑफिसर बनता है, जिसमें जो कार्यालय खोलेंगे वो ऑफिस बैठेगा गाँव सत्र पर, वो ऑफिसर लोग गांव के लोगों को सारी सुविधाएं देगा। मैं मुख्यमंत्री जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि वो ऐसे कार्यालय हों कि किसान कौन है, किसान की परिभाषा क्या है? जो चपरासी भी नहीं लग पाता वो किसान है, जो खेत में दिन रात मेहनत करता है वो किसान है, जो कीड़ी से लेकर हाथी तक का पेट भरने का काम करता है वो किसान है, और केवल बिजनेस ना लेकर केवल अपनी जीविका के लिए काम करता है वो किसान है। लेकिन मुख्यमंत्री जी शायद किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है, क्योंकि अगर संवेदनशील होते ये हमारा ऑथेंटिक विषय है, ये हमारा रोड जाम करने का विषय नहीं है, ये हमारा किसान का और कृषि कल्याण का एक विषय है कि गांव सत्र पर डॉक्टर को बिठाइए। जब गांव के अंदर एक एनिमल क्लिनिक हो सकते हैं, जो पशु चिकित्सालय हो सकते हैं, तो एक कृषि क्लिनिक क्यों नहीं हो सकते, इस तर्ज पे क्यों नहीं हो सकते? लेकिन मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं किसानों के साथ अपने कांटे की टक्कर मानते हैं, ग्रुप डी की भर्ती करते हैं और भर्ती करते हैं, भाई कृषि अधिकारियों की भी भर्ती करिए और सैंक्शन पोस्ट हैं जो उनको तो कम से कम कृषि के कार्य में लगाइए। तो इसलिए आदरणीय पत्रकार साथियों, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से बार बार एक निवेदन करना चाहता हूं कि गाँव के अंदर गांव सत्र पर ऐसे कार्यालय खोले जाएं, चाहे मेरी फसल मेरा ब्यौरा की बात आती है, पोर्टल पंजीकरण की बात आती है, भाई मेरा पानी मेरा विरासत की बात आती है, किसी आपदा के कारण अगर किसी किसान की फसल मर जाती है उसकी सूचना देने की बात आती है, अगर किसी भी प्रकार की नए बीजों की तकनीक की बात आती है, बीजों की बात आती है, तो वो गाँव सत्र पर उस किसान को पता लगे। गाँव ग्रामीण लोगों का और कृषि अधिकारियों का इतना डिस्टेंस है कि उनको पता ही नहीं। जब ये बताओ, जब अधिक आला अधिकारियों को ही नहीं पता कि मेरे हरियाणा का मुख्य आंकड़ा क्या है कृषि अधिकारियों का, तो फिर आम समाज को कैसे पता लगेगा? और जो काला बाजारी हो रही है आज मार्केट के अंदर, काला बाजारी हो रही है, तो खाद की काला बाजारी हो रही है, नकली बीज बिक रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह पूछना चाहता हूं और इस कृषि विभाग से, क्या किसी कृषि विभाग ने आज तक बिना किसी किसान के सहयोग से कोई छापेमारी की, कोई नकली बीज पकड़े, कोई खाद का स्टॉक पकड़ा? उल्टा क्या करते हैं, हमने
प्रदीप दैया डीसी थे जब, उनसे शिकायत करके कमेटी गठित करवाई थी कि एक स्टॉक इस करे स्टॉक किए हुए है खाद का और उस पर छप्पा मारो, उसको गुमराह कर दिया किसान को, शिकायतकर्ता को, और अगले ही दिन उन्होंने किसानों ने उसको पकड़वाया। तो जब तक मिट्टी अपना हक अदा नहीं करती, हवाओं की सिफारिशों पर कभी खूब फूल नहीं खिलते, जब तक हरियाणा सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं होती और गांव स्तर पर अधिकारियों को नहीं बिठाती, तो तब तक किसानों का भला होने वाला नहीं है। और भारतीय किसान संघ इस परिधि पे काम करते हुए, भारतीय किसान संघ सरकार को चेतावनी देता है, ये ढकोसले रचते हैं नहीं, तीसरा दिन रैली करते हैं, भारतीय किसान संघ सड़कों पे उतरेगा। अगर ग्रामीण लोगों को गांव स्तर पर कार्यालय नहीं मिले, डॉक्टरों की सुविधाएं नहीं मिली, तो इसलिए हम आज ये पूर जोर सरकार का से विरोध तो नहीं कह सकता, क्योंकि किसी से कुछ लेने के लिए विरोध नहीं करना होता। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि किसानों को अभी सहयोग लीजिए, किसानों की भी वोट इतनी ही भारी है, तो आप किसानों के लिए कृषि अधिकारियों को उपलब्ध कराएं, और अगर ऐसा नहीं होता तो किसान का भला नहीं हो सकता और किसान ऐसे ही बार बार सड़कों पर रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं हरियाणा सरकार से मांग करता हूं कि किसानों के लिए जो कृषि अधिकारी हैं, कृषि विभाग है, ग्रामीण लोगों में और कृषि विभाग में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, ये तभी खत्म हो सकता है जब कृषि अधिकारी गांव स्तर पर बैठेंगे, गांव स्तर पर कार्यालय बनेंगे। जैसे सेंक्शन पोस्ट बहुत हैं, क्योड़क में है, ग्योंग में है, नर्ड में है, पहले होते थे ये, केवल इनको नवीनीकरण देना है, लेकिन सरकार का इस तरफ ध्यान ही नहीं है। जो मुख्य कृषि अधिकारी आला अधिकारी हैं वो काम करना नहीं चाहते, वो केवल वेतन भोगियों को रह गए हैं, वो कर्म भोगी नहीं है, वो नहीं चाहते, वो मुख्यमंत्री जी को भी गुमराह करते हैं। जैसे ही मैंने रखे विषय अभी मुख्यमंत्री जी ऐसे ऐसे इतनी पोस्टें हैं, तो ACS का कहना है कि इतनी पोस्टें नहीं है। मुख्यमंत्री जी को हमने एक विषय दिया था ADOs को लेकर भी, जैसे कृषि प्रधान है भारत देश, कृषि प्रधान देश में ADOs की जरूरत है और 80% पद खाली पड़े हैं, भी सरकार इनको भरे। सबसे पहले तो सरकार इनको ADOs के पद को भरने का काम करे, उसके बाद इनके जो बैठने का दफ्तर है ब्लॉक लेवल पे ना होकर, जिला लेवल पे ना होकर, बल्कि गांव के लेवल पे हो, अर्थात जो भी ADOs आ रहे हो किसान के साथ जुड़ा है उसका दफ्तर गांव में होना चाहिए, क्योंकि किसान को समस्या गांव में आती है, शहरों में नहीं। तो आपने देखा होगा कि 80% तो मैंने बताया खाली पड़े हैं, 20% जो बच गए वो शहरों में बैठे हैं। ये किसान पहली बात तो आंदा नहीं, किराया नहीं होता किसान के पास, पैसे नहीं होता आने के लिए, यदि आ भी गया तो आगे मिलता नहीं, उनके अन्य अन्य कार्य जुम्मन लगे हुए हैं। तो पीछे मुख्यमंत्री जी से मिले थे किसान संघ के लोग और इस विषय को उठाया था, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। तो हम ये भी मांग करते हैं सरकार से कि जो माना 80% पद है उनको भरा जाए और इनका जो कार्यालय गांव क्षेत्र पे, गांव के स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे आपने देखा कि सरकार नई नई नीति लेकर आती है, जैसे पोर्टल है, कई किसान भाई तो पोर्टल पे अपनी फसल अपलोड करने तो बिना ही रह जाते हैं, क्योंकि जो आम बैठे हैं वो पैसे लेते हैं और किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि छोटे किसान 80% तो ये मान के चलो 5 एकड़ और 5 एकड़ से कम का जोत का किसान रह चुका है, इतना बड़ा किसान तो रह नहीं है। तो जब वो पैसे लेता है तो एक दिन जाता है, एक दिन उनका सर्वर डाउन होता है, तो वो क्या कहते हैं कि आज सर्वर डाउन कल आ जाना, ऐसे चक्कर कटते कटाते इतना समय निकल जाता है कि वो अपना पोर्टल ही नहीं करवा सकते। उसके बाद जो योजनाएं आती हैं सरकार की योजनाएं भी ADOs वगैरह भी बताएंगे, किसान को भी ये स्कीम आई हुई है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ADOs नहीं है। तो जब ADOs नहीं है तो कौन अफसर जानकारी देगा, उसका फायदा कौन उठा रहा है, प्राइवेट कंपनी वाले, इन्होंने अपने बंदे छोड़ रखे हैं कि ये तो प्रचार कर नहीं सकते कि उनके पास तो बंदे नहीं, हरियाणा सरकार के पास तो वो जो प्राइवेट कंपनी के बंदे हैं नहीं, वो अपना प्रचार करते हैं झूठे सच्चे प्रचार करके, नकली दवाई नकली बीज भी बेचने का काम करते हैं, क्योंकि किसान को इतनी जानकारी नहीं है कि ये नकली है बीज, ये दवाई नकली है, तो इसकी जानकारी तो ADOs दे सकते जो कि हमारे पास नहीं है। तो आपने देखा है कि कई चीजें सरकार ने स्कीम जिसे PM ने दी है, इसके बारे में सरकार ने मतलब 2000 रुपये किसान को खाते में डाल दिए,
लेकिन पीछे इतनी दिक्कत आई केवाईसी के नाम पे कि आपने केवाईसी नहीं कराया, आपने आईटीआर करवा दिया, तो बहुत से लोगों के खाते में पैसे नहीं आए। यदि गांव में दफ्तर होता तो किसान उसके पास दफ्तर में जाएगा और दफ्तर में जाने के बाद अपनी केवाईसी करवा देगा, फसल को अपलोड करवा देगा, जिसको पोर्टल के नाम से हम बोल रहे हैं। तो उसके अलावा फसल बीमा के फार्म वहीं भराए जाएं मौका पर सेंटर पे। मेरी फसल मेरे ब्यूरो के बारे में मैंने आपसे बता दिया। मिट्टी का परीक्षण, मिट्टी का परीक्षण के नाम पे पीछे बहुत से अपना पता है, नाम नाम के परीक्षण हुए हैं, काम के परीक्षण हुए। जब एडीओ जो होंगे तो अपने अपने गाँव के मिट्टी परीक्षण भी अपनी जिम्मेवारी लेके करेंगे, उनकी जिम्मेवारी सुनिश्चित होगी। कृषि विभाग के सभी स्कीमें रजिस्टर्ड वहीं पर हो सके, यदि गांव में दफ्तर है नहीं, जो भी कृषि की स्कीम है, क्योंकि आज 21वीं सदी में भारत है, ये तो है नहीं 18वीं सदी का भारत है, आज तो सारा काम ऑनलाइन चल रहा है। और ऑनलाइन कौन करेगा? जो ट्रेंड आदमी है, जो कोई जिम्मेवार आदमी है। तो ये जैसे ही कोई भी स्कीम आवल नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन गाँव के लेवल पे ही होना चाहिए। तो किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने के लिए और किसानों का पूरा पूरा लाभ देने के लिए मैं दोबारा फिर पुनः फिर सरकार से ये मांग करता हूँ कि एडीजी की भर्ती होनी चाहिए और ग्राम लेवल पे इसका दफ्तर होना चाहिए।